सोलो एंड वेलकम दोस्तों टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों आज के वीडियो में बात कर रहे हैं वीवो के Y28e 5G फोन में रैम सेटिंग के बारे में। अब दोस्तों रैम को आपको अगर अपने फोन में बढ़ाना है, जैसे कि आपके फोन में 8GB रैम है या 6GB रैम है, आप लोग प्लस 6GB रैम या 8GB रैम है तो प्लस 8GB रैम को अपने फोन में इंक्रीज कर पाओगे। और रैम आपका कहां से बढ़ता है इसके बारे में आपको बताने लाऊं एंड अपने फोन के सेटिंग के अंदर से आप लोग को रैम कैसे बढ़ाना है एंड रैम बढ़ाने से क्या फायदा होने वाला है, कैसा आपके फोन का परफॉर्मेंस मिलने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को डिटेल के साथ बता रहा हूँ एंड रैम को कैसे बढ़ाना है इसके बारे में भी आपको बताने वाला। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। हां दोस्तों साइड में स्क्रीन पर एक देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर आप लोग के पास विवो का Y28e 5G फोन है, इस फोन के अंदर रैम को बढ़ाने के लिए अपने फोन में आओगे सेटिंग के अंदर। जैसे अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर आते हो तो यहाँ पर आपके फ़ोन में इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। यहाँ पर देखोगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके फ़ोन में एक ऑप्शन मिल जाता है, इसके नीचे रैम एंड स्टोरेज का ऑप्शन एंड रैम एंड स्टोरेज वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में देखोगे तो यहाँ पर कुछ स्टोरेज शो करेगा, जो कि आपका स्टोरेज यहाँ पर मैनेज यहाँ 70GB तक है और रैम वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है 3GB प्लस यूज है एंड 8GB रैम हमारे फ़ोन में दिख रहा होगा। यहाँ पर प्लस हमारे फ़ोन में जैसे क्लिक करेंगे रैम वाले ऑप्शन पर तो हमारे फ़ोन में कोई भी रैम नहीं बढ़ा रखा, टोटल 8GB रैम है। प्लस हम इसमें 8GB रैम को और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा पाया गया है दिस रैम काउंट, यहाँ पर आपको बताया गया टोटल 8GB प्लस कर सकते हो, रैम को बढ़ा सकते हो। अब रैम बढ़ाने का आसान तरीका है, अपने फ़ोन का रैम कैसे बढ़ता है दोस्तों आपको समझाता हूँ। अपने फ़ोन का रैम कैसे बढ़ता है, जो इंटरनल रैम होता है आपके फ़ोन के, इंटरनल के अंदर से 8GB कट कर आपके रैम के अंदर ऐड किया जाता है, वहां से आपका 8GB रैम यहां पर आकर ऐड हो जाता है और आपके फ़ोन का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, जो कि पहले से बेटर परफॉर्म करेगा आपका फ़ोन जब इसे आपको रैम को बढ़ाओगे। अब रैम बढ़ाने का आसान तरीका यही है जो कि अपने फ़ोन में आप जाकर कर सकते हो। अब दोस्तों जो कि इंटरनल में आपका स्टोरेज आता है 256GB या 128GB तो आम बात है आजकल की, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके 128GB में से आपका 8GB रैम कट कर आपके रैम के अंदर ऐड हो जाता है, तो रैम आपका इस तरीके से बढ़ता है। अब रैम 16GB होने के बावजूद आपका फ़ोन पहले से बेटर परफॉर्म भी कर देता है, तो यहाँ पर आप लोग बढ़ा सकते हो इस तरीके से। अब दोस्तों मैं अपने फ़ोन को एक बार रैम बढ़ाकर दिखाता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर इस तरीके इंटरफेस मिलेगा। आपको क्लिक करना है रैम इंटरनल एक्सचेंज रैम पर क्लिक करके ऑन करना है और यहाँ पर आपका कुछ सेकेंड चलेगा। अब यहाँ पर देखोगे सेकेंड चल रहा है, सेकेंड चलते ही आपके फ़ोन में रीसेट नाउ का ऑप्शन आएगा। रीसेट नाउ पे आप क्लिक करोगे आपका फ़ोन तुरंत पावर ऑफ होगा। अब पावर ऑफ होने के बाद आपका फ़ोन कुछ सेकेंड कुछ समय के बाद ऑन होगा, जो कि आपका रैम बढ़ चुका होगा। तो इस तरीके से आप अपने विवो के Y28e 5G स्मार्टफोन के अंदर रैम को एक्सचेंज कर सकते हो, रैम को बढ़ा सकते हो अपने स्टोरेज के अंदर से। अब बात यह है रैम की जो बढ़ जाती है हमारी, अब 16GB पहले आपके रैम हो जाते हैं तो आपके फ़ोन जाहिर सी बात है पहले से बेटर तो परफॉर्मेंस करेगी ही करेगी, जो कि यहीं पर आपको एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, जो कि मेरा फ़ोन ऑन होने में कुछ सेकेंड लगने वाला। तो वेट कर लेते हैं कंप्लीटली, जैसे मेरा फ़ोन ऑन होता है उसके बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ पर रैम बढ़ने के बाद फ़ोन का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला और फ़ोन आपका परफॉर्म कैसा करने वाला। तो फाइनली यहाँ पर आप लोग वेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि फ़ोन ऑन हो चुका है, कंप्लीटली ऑन हो चुका है। अब यहीं पर हम पासवर्ड को इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद दोस्तों यहीं पर आपको दिखा देता हूँ रैम बढ़ने के बाद क्या क्या इसके अंदर इंक्रीज किया गया है। तो ब्राइटनेस भी थोड़ा कम करना ही पड़ेगा, जो कि हमारा लाइटिंग ज़्यादा नहीं दिख रहा। तो दोस्तों मेरे रैम को बढ़ने के बाद सेटिंग के अंदर अब आप आते हैं। जैसे ही आप सेटिंग के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपका फ़ोन का सेटिंग आएगा। सेटिंग के अंदर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंटरनल एंड यहाँ पर लिखा रहेगा रैम एंड इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करके आना है और यहाँ पर आपका रैम बढ़ चुका है। खुद आप लोग देख सकते हो ध्यान से आपका रैम बढ़ चुका है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका प्लस 8GB रैम हो जाएगा, यहीं पर आप रैम को बढ़ा सकते हो, आसानी तरीके से आप लोग बढ़ा सकते हो और फ़ोन आपका पहले से बेटर परफॉर्मेंस करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि रैम बढ़ने के बाद आपका फ़ोन का परफॉर्मेंस बेटर बढ़ जाता है। तो फाइनली इस तरीके से आप अपने वीवो के Y28e 5G फ़ोन के अंदर रैम को एक्सचेंज कर सकते हो एंड रैम को बढ़ा सकते हो। फाइनली दोस्तों आप लोग को समझ में आएगा होगा। फाइनली अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के इंप्रेस लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बब दोस्तों।